तो वो चीज़ें अच्छी नहीं रहती। बाकी यहाँ पे मुझे अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि इस तरीके की चीज यूज हो रही है। अरे भाई ये वाला कट कर दो, अरे वाला कट कर दो। आप तो अंदर अंदर आइए। ठीक है, हम ना कस्टमर के लिए और इजी करने के लिए, ठीक है, एक बीच में पार्टीशन कर रहे हैं टेप से। क्लीनिंग से पहले देख लो यार, इतना जबरदस्त भाई चंदन ने क्या किया है ऐसा। हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है और मैं हूँ अभी नोएडा सेक्टर 10 में और आज मैं आपको डिटेलिंग न्यू डिटेलिंग स्टूडियो से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, वो है मार्शल डिटेलिंग। और आज हमारे साथ रहने वाले हैं विद्यार्थ भाई जो कि ऑनर है इस आउटलेट के और ये एक डिटेलिंग स्टूडियो है। तो न्यू डिटेलिंग स्टूडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ नोएडा में। अब आप अगर दिल्ली NCR में नियर बाय में है, नोएडा में है, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप नजदीक से ही अपने सारे काम डिटेलिंग से रिलेटेड करा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि आज हमारे पास मारुति की सिलेरी है और आज मैं इसमें दिखाऊंगा आप लोगों को फुल क्लीनिंग। आज मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ एक और डिटेलिंग स्टूडियो से जो कि पड़ता है नोएडा सेक्टर 10 में, जिसका नाम है मार्शल डिटेलिंग, जो काफी समय से जो है इस लाइन में है। और बाकी बात करते हैं इसके ऑनर से ही। तो मेरे साथ है मिस्टर विद्यार्थ, आ जाओ विद्यार्थ भाई फ्रेम में एक बार। तो विद्यार्थ भाई आपका स्वागत है बहुत बहुत चैनल में। गुरदीप भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा नाम विद्यार्थ आनंद है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में हम 50 ईयर से सर्विस दे रहे हैं। ओके, सो विद्यार्थ भाई थोड़ा सा ऑडियंस को बताओ आज हम लोग क्या करने वाले हैं, कौन सी गाड़ी है और हम कौन सी चीज पे क्या डिटेलिंग करने वाले हैं। आज हमारे पास आई है सिलेरियो, ठीक है, इसमें हम अपनी सर्विस करेंगे प्लैटिनम जो कि हमारी सर्विस है, ठीक है, उसमें हम पूरी ड्राई क्लीन करते हैं कार को, ठीक, बाहर से पूरा फोम वॉश करते हैं और वैक्स स्प्रे करके टायर पॉलिश ब्लैक पार्ट पे पॉलिश करके। और इसके फ्रेंड्स प्राइजेस और पैकेजेस के बारे में आपको सारा वीडियो में पता चलता जाएगा, आप पूरी वीडियो देखिएगा। सो फ्रेंड्स, अपने पास है मारुति की सिलेरियो, तो सबसे पहले मैं आपको वॉक अराउंड देता हूँ। अभी आप जो है ये व्हील कैप लगे हुए हैं गाड़ी में, ठीक है, बैक से इस तरीके का है। फ्रंट में जो है पूरी गाड़ी को हम जो है फोम वॉश करेंगे और पैकेजेस प्राइजेस की बातें मैं अभी थोड़ी देर में ही बताने वाला हूँ आप लोगों को। बाहर से तो फिर भी गाड़ी की कंडीशन ठीक है, ठीक है, अगर आप अंदर से देखेंगे, मेन गाड़ी आई है अंदर से क्लीन होने की, ड्राई क्लीन आपने बोला जी, सीट देख सकते हैं, ये देखिए आप बहुत सारे निशान है और ये अंदर का भी बहुत बुरा हाल है और इसमें ये देखिए कितना गंदा है ना। तो ये सारा क्लीन करके दिखाएंगे, अभी बहुत ज्यादा है। विद्यार्थ भाई बताइए कैसे करोगे, एक बार आप ये भी दिखाइए प्लीज, ये मैं दिखाना चाहता हूँ क्या इसकी क्या कंडीशन है, ठीक है, अच्छा ठीक है। बाकी विद्यार्थ भाई बताएंगे अब क्या प्रोसेस है, प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा बता दो। पहले सबसे पहले हम इसमें वैक्यूम क्लीनर करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम अपने क्लीनर से सीट्स, ठीक, दरवाजे, ठीक है, डैशबोर्ड, ठीक, सारा क्लीन करेंगे, ठीक है, उसके बाद फोम वॉश आ जाएगा, ठीक है, वॉश करेंगे गाड़ी को, वैक्स स्प्रे करेंगे, ठीक है, उसके बाद सारे पार्ट पे ब्लैक पॉलिश। तो विद्यार्थ भाई बताइए कैसे करेंगे आप एक बार अंदर अंदर आइए, ठीक है। हम ना कस्टमर के लिए और इजी करने के लिए, ठीक है, एक बीच में पार्टीशन कर रहे हैं टेप से, ठीक है, ताकि आप हमारी सर्विसेज के बाद इसकी कंडीशन देखें। अच्छा, और बिफोर एंड आफ्टर बिफोर एंड आफ्टर तो आप यहां पर लगा के, बिल्कुल, चलिए ठीक है, ये भी अच्छा रहेगा, कस्टमर को समझ में आएगा कि आप किस तरीके का काम कर सकते हो या करोगे। तो अब हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा क्लीनर होता है, ठीक है, जो रेशियो में बनता है, ठीक है, इससे हम पूरी सीट्स को आपको क्लीन करके देंगे, ठीक है। तो ये है भाई चंदन भाई, और चंदन भाई हाय कर दो यार ऑडियंस को, ठीक है, हम उधर वाला पार्ट अब पूरा आपको दिखाएंगे करके। सो भाई जब तक यहाँ पर हमारी चल रही है क्लीनिंग, मैं तब तक कुछ और बातें कर लेता हूँ विद्यार्थ भाई से। विद्यार्थ भाई बताइए क्या कुछ कह रहे थे आप। मैं कह रहा था कि जैसे हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक पार्ट को क्लीन करने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ग्लास क्लीनर है, ठीक है, ग्लासेस के लिए, ये प्लास्टिक क्लीनर है प्लास्टिक पार्ट के लिए, ठीक, ये पॉलिश है इंटीरियर पॉलिश, देन टायर ग्लेज है टायर पॉलिश, ये हमारा आयरन रिमूवर बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है, बेसिकली जो गाड़ी के क्रोम पे रस्टिंग आ जाती है, एलॉय वगैरह क्लीन नहीं हो पाते हैं प्रॉपर, उनपे हम स्प्रे करते हैं। अभी मैं आपको उसका एक डेमो दिखाऊंगा, ठीक है, कैसे ऑटोमेटिकली अपने आप कलर चेंज होके जितनी भी ऑयल या गंदगी होती है वो सब बाहर आ जाती है। सो ये देखिए यहाँ पर होती है अपनी वॉशिंग और ये पूरा स्टूडियो आप चेकआउट कीजिए एक बार, तो पूरा टनल है भाई, अंदर तक जाते जाओ तो बहुत बड़ा है। विद्यार्थ भाई थोड़ा सा ऑडियंस को बताओ, अब आप एंटर करने वाले हो हमारे मेन डिटेलिंग एरिया में, ठीक है, यहाँ पे हमारी कोटिंग्स वगैरह पीपीएफ वगैरह सब होती है, ठीक है, और मैं यहाँ के प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो भाई मैं ये बता रहा था आपको, ये यहाँ पर आप लोग आ सकते हो और पूरा सिटिंग का बंदोबस्त है आपके लिए, बढ़िया एसी में बैठो और जब तक आपकी गाड़ी रेडी होगी और तब तक आप भी आराम से आराम कर सकते हो।
और खेलना चाहो तो खेल भी सकते हो भाई यहाँ पे, ठीक है। तो अभी विराट भाई ये बताओ ये क्या सेक्शन है? ये कोटिंग करने से पहले के जितने भी स्टेप्स होते हैं उन सबके प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। कंपाउंडिंग है, ग्लेजिंग है, ग्लास डीग्रीजर है, वाटर मार्क्स आ जाते हैं गाड़ी पे जो बारिश के पानी से आ जाते हैं उनको हटाने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। वो आगे आपको सारा कुछ बताएंगे कभी नेक्स्ट वीडियोस में। आप लोग इस वीडियो को बहुत प्यार दें और एक बार आके जरूर यहाँ पर विजिट करें विद्यार्थ भाई के पास, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। विद्यार्थ भाई ये क्या है? इसे ये IR लैम्प है, इंफ्रारेड लैम्प, ठीक है। इसे बेसिकली कोटिंग को सेरेमिक कोटिंग, जो सेरेमिक कोटिंग को ड्राई करने के लिए सुखाने के लिए हम यूज करते हैं। ये फुली ऑटोमेटिक है, ठीक है। ये अगर ज्यादा पेंट के पास आ जाएगी तो भी ये बंद हो जाएगी और ज्यादा दूर जाएगी तो भी बंद हो जाएगी। चलिए वो हम कभी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे। मार्शल डिटेलिंग आके लोग और क्या क्या सर्विसेज आपसे ले सकते हैं या आप लोग यहाँ क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं थोड़ा बताइए। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको दिखा दिया कि वॉशिंग से हमारी सर्विसेज स्टार्ट हो जाती है, फिर उसके बाद हमारी कोटिंग्स भी होती हैं, सेरेमिक कोटिंग वगैरह। एक हमारा MD मार्शल डिटेलिंग स्पेशल पैकेज है जिसमें हम 6,000 चार्ज करते हैं। उसमें हम पूरी गाड़ी को न्यू लुक दे देते हैं, जैसे आपकी 2 साल या 3 साल पुरानी गाड़ी है, पेंट डल हो गया, फेड हो गया, उसको सारा हम कंपाउंडिंग करके, ग्लेजिंग करके पूरी न्यू लुक दे देते हैं। उसके क्रोम पार्ट्स होते हैं, जैसे ब्रांड होता है वो क्रोम खराब हो रखा होता है, रस्टिंग आ रखी होती है, उसको क्लीन कर देते हैं, अलॉय पूरे क्लीन कर देते हैं, प्लास्टिक पार्ट क्लीन कर देते हैं, तो बिल्कुल न्यू लुक देते हैं। उसके बाद 1 ईयर से शुरू हो जाती है हमारी कोटिंग, बहुत ही रीजनेबल रेट्स पे है, 9,000 से स्टार्ट हो जाती है सेरेमिक कोटिंग। PPF करते हैं, TPU यूज करते हैं, 3 ईयर्स की आती है, 5 ईयर्स की आती है और 7 ईयर्स की आती है वारंटी। हैचबैक स्टार्ट हो जाती है आपकी अराउंड 50,000 में, देन सेडान की कॉस्टिंग आ जाती है 60 to 65, देन उससे ऊपर 7 सीटर जितनी भी हैं 70 to 75 की रेंज में। मैं अपने सारे व्यूअर्स से बस यही कहना चाहूँगा कि एक बार हमारे सेंटर पे आएँ, हमें मौका दें सर्विस का और उन्हें बहुत ही अच्छा काम करके देंगे, ताकि उन्हें कभी ऐसा ना लगे कि वीडियो देख के वो आए और ऐसा काम नहीं हुआ। अब देख सकते हैं आप, जैसे गुरदीप भाई यहाँ पे हमारे यहाँ कोई आएगा कार वॉश कराने तो बोर नहीं होगा वो, देखिए तो भाई यहाँ पे आके प्ले भी कर सकते हैं यार, बढ़िया एकदम। भाई ने बहुत बढ़िया इंतजाम किया हुआ है। अरे शिट यार, मेरे गिर गया नीचे। एक ड्राइवर कर दो। चलो यार, वैसे बढ़िया हमने कोशिश करी लेकिन एक भी रेड पे नहीं लग पाया। अरे यार शिट शिट, अरे भाई ये वाला कट कर दो, अरे वाला कट कर दो। चलो बढ़िया, हल्का सा डाल देंगे, देखो भाई ये रेड पे डाल दिया। सो फ्रेंड्स, अभी चंदन भाई ने हमारे यहाँ पे थोड़ा सा तो कर दिया है, चलिए मैं आपको चेकआउट कराता हूँ। चंदन भाई ये हटाओ जरा सा टेप को, थोड़ा सा डिफरेंस पता चले। अरे वाह भाई, क्या जादू किया ये आप लोग। ये देखिए ये है डिफरेंस कुछ, और ये अपना आफ्टर है क्लीनिंग के बाद और ये क्लीनिंग से पहले, देख लो यार इतना जबरदस्त। भाई चंदन भाई क्या किया है ऐसा? वैसे ये हमने केमिकल यूज करा है और अभी तो थोड़ा और बाकी है, अभी तो इससे और ज्यादा शाइनिंग आएगी। सो फ्रेंड्स, ये अपना राइट साइड वाला डोर है, फ्रंट डोर। सो मैं आपको दिखाता हूँ ये कितना ज्यादा खराब है, क्या गंदा है, आप लोग चेक कीजिए। आफ्टर क्लीनिंग मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसी लुक निकल कर आती है इसकी। ये अब हमारा हाँ जी, ये प्लास्टिक क्लीनर होता है, ठीक है, बेसिकली जितना भी प्लास्टिक। अच्छा, ये प्लास्टिक पे अलग लगता है, ठीक है, इससे हम इसको पूरा क्लीन करेंगे, ठीक है। सो मैं अभी बिफोर का मैंने पार्ट आपको दिखाया है, अब मैं इसके बाद का आपको दिखाऊंगा जब ये क्लीन हो जाएगा। अच्छा, तो ये डिटेलिंग ब्रश से क्लीन करते हो? जी बिल्कुल। अच्छा, ये जैसे छोटे पार्ट्स होते हैं तो इसमें हम जैसे ये स्प्रे करते हैं तो ये खराब नहीं होते, डैमेज नहीं? नहीं, हम बहुत लाइट स्प्रे करते हैं और ब्रश में करते हैं। अच्छा, करके दिखाओ बस। अच्छा, और इस तरीके से हम इसको क्लीन। बढ़िया। सो फ्रेंड्स, ये अब आपके सामने है, कुछ इस तरीके की लुक आई है, आप देख सकते हैं बहुत क्लीन हो चुका है। यहाँ पे पूरा गंदा था, ये सारा गंदा था। तो आप चंदन भाई क्या कर रहे हो? ये शाइनिंग कर रहे हैं। अच्छा, ठीक। मुझे तो ये पॉलिशिंग है, जो ब्लैक पार्ट बताई थी इंटीरियर में, ये होती है। आप लोग डैशबोर्ड देख सकते हैं कुछ इस तरीके के हालातों में। मैं जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा, अब कैमरा पता नहीं कितना कंट्रोल कर रहा होगा। तो आप ब्लैक पार्ट भी देख सकते हैं और आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में, आप चेक कीजिए। तो ये स्प्रे इसके अंदर भी मारते हैं जी, ठीक है, फिर डिटेलिंग ब्रश से क्लीन करते हैं, ठीक है।
तो आप लोगों ने अभी ये देख लिया, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरीके से और इसके बाद आप चेक कीजिएगा। और मैं अपनी बारी में भी मैंने आपको बताया था गाड़ी के अंदर यार ये ना पोर्स होते हैं, ठीक है, ये आप देखिए ये वाले, तो ये डिटेलिंग है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कई लोग जो है ना बहुत हार्ड केमिकल्स वगैरह यूज करते हैं सब ये चीजें, इन्होंने तो बहुत माइल्ड, देखिए आप ये पहने हुए ग्लव्स, बाकी लोग काफी मोटे मोटे ग्लव्स पहन के जो करते हैं वो मतलब बहुत ज्यादा हार्ड यूज करते हैं केमिकल्स को, तो वो चीजें अच्छी नहीं रहती। बाकी यहाँ पे मुझे अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि इस तरीके की चीज यूज हो रही है, और अच्छा है, अभी देखते हैं बाकी रिजल्ट क्या निकल के आता है। देखिए अब डैशबोर्ड क्लीन हो रहा है, चलिए आप क्लीन कीजिए फिर मैं दिखाता हूँ आपको। तो आप ये लुक देख सकते हैं, ये इधर वाली है, सेम ही कलर आ रहे हैं। अब हम उसमें देखेंगे कि डिफरेंस कैसा आया क्लीनिंग के बाद, आफ्टर क्लीनिंग, और उसके बाद में आपको सीधा वॉशिंग दिखाऊंगा और फिर सीधा वॉक अराउंड दूंगा आपको अंदर का और सारा बाहर का, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अंदर से अब क्लीनिंग हो चुकी है, थोड़ा सा मैं आपको वॉक अराउंड देता हूँ, इंटीरियर दिखाता हूँ हल्का सा। देखिए आप लोगों ने ये पार्ट देखा ही था और मे बी आपने स्क्रीनशॉट लिया हो, तो इतना चमक चुका है यार, ये अमेजिंग लग रहा है बिल्कुल। और ये देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा गंदा था, आपने डैशबोर्ड देखा ही था पहले कैसा था, ये मैं दिखा देता हूँ, पोर्स भी बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, मुझे तो ओवरऑल बहुत बढ़िया लग रहा है। बाकी ये अंदर से भी देख लो कितना था ये गंदा, तो ये है उधर वाला गेट मैंने आपको दिखाई दिया है, बैक का सीट्स मैंने दिखाई दी है, क्लीन है सारी। अब फ्रेंड्स, अब आप लोगों को मैं बाहर से पूरा वॉशिंग दिखाने वाला हूँ, ठीक है, और इसमें हम लोग करने वाले हैं फोम वॉश। तो यार वॉइस में भी थोड़ा दिक्कत होगी क्योंकि प्रेशर है। एक मिनट, सो अब देखिए अब फॉर्म जो है स्प्रेड की जाएगी, आप बैक साइड से देख सकते हैं फॉर्म उस तरीके से स्प्रेड की जाती है और फिर क्लीनिंग की जाएगी। सो इस तरीके से क्लीन किया जाता है। विदार्थ भाई अब क्या करेंगे, अब हम वैक्स भी स्प्रे करेंगे इस पे, ठीक है, वैक्स को स्प्रे स्प्रे वाला वैक्स इसको स्प्रे करेंगे, फिर पानी से वॉश कर देंगे। अब इसके ऊपर पानी भी मारेंगे? हाँ जी। अच्छा, भाई ये नया देख रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम यार, ये अलग ही कुछ हिसाब किताब है। अब देखो अलग से ग्लास नहीं आ गई? हाँ आ तो गई है यार। सो फ्रेंड्स, अब सेलेरियो अपनी रेडी हो चुकी है और गाड़ी आप देख सकते हैं इस तरीके से फाइनल लुक आई है, और मैंने जो है स्टार्टिंग में दिखाई दिया था आपको कैसा लुक है, और बाहर से देखो गाड़ी तो पुरानी है और बाकी गाड़ी पूरी चमक चुकी है, टायर भी पॉलिशिंग हो चुकी है और ये पीछे भी हो चुका है, और बैक का भी मैं आपको सारा पोर्शन दिखा देता हूँ कैसा था पहले का। सो आपने यहीं से लुक चेक करी थी, अब आप दोबारा से ये चेक कीजिए। देखिए भाई भाई आज ऑनर को सच में ऐसा लगेगा कि भाई ये नहीं हो चुकी है, तो ये देखिए जी डैशबोर्ड, और आपने पहले का स्क्रीनशॉट देख लिया होगा, मे बी आपने लिया हो तो ये देखो क्लीनिंग भाई, सारी क्लीनिंग इतनी बढ़िया क्लीनिंग हो गई है, बढ़िया एकदम, ऑनर आज हैरान रह जाएंगे पक्का। और ये देखो ये सीट्स, सो कुछ इस तरीके का काम होता है, काम मुझे काफी ठीक लगा। अब सबसे लास्ट की जो बात है हमारी वो करेंगे, सबसे पहले मैं आपको इधर का टायर भी दिखा देता हूँ, टायर भी देखिए इतना। सो फ्रेंड्स, आप गाड़ी की अब ओवरऑल लुक तो देख ही चुके हो, मैं बाहर से भी दिखा चुका हूँ, अंदर का भी दिखा चुका हूँ, यार अमेजिंग लुक आई है यार। वैसे विदार भाई अच्छा काम तो किया, बाकी मेन में आशा करता हूँ आप कस्टमर को अच्छा आप अपना जो है सर्विस देंगे,
और उन्हें सेटिस्फाई करके भेजेंगे। अब थोड़ा सा मेन बात कर लेते हैं जिसके लिए ऑडियंस वेट भी कर रही है, क्योंकि हमने प्राइसिंग की बात नहीं करी है। तो अब बताइए आपने इस हैचबैक के कितने पैसे लिए? इस सर्विस के चार्ज हमारे हैं 1400 रुपए। ठीक है, और इसमें हमने पूरे अंदर ड्राई क्लीन करी है, बाहर से फोम वॉश करी है, वैक्स करी है, ब्लैक पार्ट पॉलिश करे हैं, जैसे आपने सब दिखा दिया जी। तो वैक्सिंग भी की है और ब्लैक पार्ट को हमने पॉलिशिंग भी की है इसमें। ठीक है, जैसे कि आपने देखा है इस गाड़ी में पूरी ड्राई क्लीन हुई है और बाहर से फोम वॉश हुई है। अगर आप सिर्फ अंदर से ड्राई क्लीन कराते हैं तो 1000 रुपए लेते हैं हम। अगर हम पूरा ये वाला पैकेज लेते हैं वॉश के साथ तो 1400। तो आशा करता हूँ फ्रेंड आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और यहाँ पर आना नहीं भूलिएगा, नोएडा सेक्टर 10 मार्शल डिटेलिंग। गाड़ी मेरे पीछे गड़ी है, एकदम चमचमा रही है, मैं तो ओवरऑल देखिए सेटिस्फाई हूँ। बाकी आप एक बार आके एक बार सर्विस लेके देखिए आपको कैसा फील होता है, फिर आप जरूर कमेंट में जरूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इसी तरीके का कंटेंट आपके लिए बनाऊंगा और बढ़िया बढ़िया वीडियोस लाऊंगा आपके नियर बाय में, आपको बताऊंगा कहाँ पे आप जल्दी आप बेस्ट सर्विसेज ले सकते हैं। तो आप विद्यार्थी को एक बार सर्विस का मौका दीजिए, आइए नोएडा सेक्टर 10 और आना कहाँ पर है, मार्शल डिटेलिंग में। ओनली एक ही इनका आउटलेट है, ये खुद का इनका अपना आउटलेट है, तो इसकी कोई भी ब्रांचेस नहीं है। तो आपको सिर्फ आना है नोएडा सेक्टर 10 में। सो अगर ये वीडियो पसंद आई तो गिव इट अ थम्स अप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।